अध्याय 47। मैं पश्चिम लौटता हूँ। मैंने भारत और अमेरिका में योग पर अनेक शिक्षात्मक प्रवचन दिए हैं, परंतु आज मुझे यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि एक हिंदू होने के नाते आज अंग्रेज शिष्यों के लिए यह कक्षा लेते हुए मुझे विशेष खुशी हो रही है। लंदन की मेरी कक्षा के सदस्य दिल खोलकर हंसे। कोई राजनीतिक उथल पुथल कभी हमारी योग शांति में विघ्न नहीं बनती थी। भारत एक पुण्य स्मृति मात्र बनकर रह गया था। यह सितंबर 1936 है। मैं इंग्लैंड में 16 महीने पूर्व दिए गए उस वचन की पूर्ति करने आया हूँ कि लंदन में पुनः व्याख्यान दूंगा। इंग्लैंड भी योग के कालजयी संदेश को ग्रहण करने के लिए उत्सुक है। ग्रॉस वेनर हाउस में मेरे नियत स्थान पर संवाददाताओं तथा न्यूज रील बनाने वाले कैमरामैनों की भीड़ लगी रहती थी। ब्रिटिश नेशनल काउंसिल ऑफ द वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ मैथ फिट्स ने 29 सितंबर को व्हाइटफील्ड कॉन्ग्रीगेशनल चर्च में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें मैंने परस्पर बंधु भाव में विश्वास मानव सभ्यता की रक्षा कैसे कर सकता है उसके ऊपर लेक्चर दिया। हाउ फेथ इन फेलोशिप मे सेव सिविलाइजेशन, इस भारी भरकम विषय पर व्याख्यान दिया। कैक्सटन हॉल में रात 8 बजे होने वाले व्याख्यानों में इतनी भीड़ हो जाती थी कि दो बार हॉल के क्षमता से अधिक हुए लोग विंडसर हाउस ऑडिटोरियम में बैठकर 9:30 बजे के दूसरे व्याख्यान की प्रतीक्षा करते रहे। इसके बाद के सप्ताहों में ये कक्षाएं इतनी अधिक बड़ी हो गईं कि श्री राइट को उन्हें इन्हीं दूसरे बड़े हॉल में स्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी पड़ी। अंग्रेजी में दृढ़ संकल्पता आध्यात्मिक संबंधों में भी अद्भुत रीति से अभिव्यक्त होती है। लंदन से मेरे प्रस्थान के बाद वहाँ के योगाभ्यासियों ने निष्ठापूर्वक एक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्र का गठन किया और युद्ध के दारुण वर्षों में भी नियमित रूप से साप्ताहिक ध्यान सभाओं का आयोजन करते रहे। इंग्लैंड में बिताए हुए वे कई सप्ताह मेरे लिए अविस्मरणीय बन गए। कई दिनों तक लंदन में और फिर लंदन से बाहर सुंदर ग्रामीण क्षेत्रों में हम दृश्यावलोकन के लिए जाते थे। इंग्लैंड के महान कवियों और उसके इतिहास में वर्णित महान वीरों के जन्म स्थानों एवं समाधियों का दर्शन करने के लिए श्री राइट ने और मैंने अपने विश्वसनीय फोर्ड का ही सहारा लिया। हम लोग अक्टूबर के अंत में साउथहैम्पटन से ब्रेमेन नाम के जहाज पर सवार होकर अमेरिका के लिए चल पड़े। न्यूयॉर्क के बंदरगाह में स्थित भव्य स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दृष्टिपथ में आते ही आनंद के अतिरेक से हमारे कंठ अवरुद्ध हो गए। प्राचीन भूमियों पर कठिनाइयों से जूझते जूझते हमारी फोर्ट कुछ ढीली तो पड़ गई थी, पर अभी भी वह समर्थ थी। अब वह पूरे अमेरिका महाद्वीप को पार कर कैलिफोर्निया जाने के लिए चल पड़ी। 1936 का अंत आ गया और यह लो माउंट वॉशिंगटन। प्रतिवर्ष लॉस एंजलिस के केंद्र में क्रिसमस का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें 24 सितंबर आध्यात्मिक क्रिसमस को 8 घंटे सामूहिक ध्यान होता है और अगले दिन सामाजिक क्रिसमस एक भोज होता है। 3 विश्व यात्रियों के लौट आने पर उनका स्वागत करने के लिए दूर दूर से आए अनेकानेक मित्रों एवं शिष्यों की उपस्थिति से इस वर्ष के उत्सव में उत्साह और भी अधिक बढ़ गया था। क्रिसमस दिवस के भोज में 15,000 मील दूर से लाए गए कुछ विशेष पदार्थों का भी समावेश था। कश्मीर के गुच्छी मशरूम, डिब्बा बंद रसगुल्ला और आम का रस पापड़, आइसक्रीम को सुगंधित करने के लिए केवड़े का के फूल का तेल। शाम को हम सब लोग एक विशाल जगमगाते क्रिसमस वृक्ष के चारों ओर एकत्रित हो गए। पास ही अंगीठी में सुगंधी साइप्रस की लकड़ियां पटपट आवाज करती हुई जल रही थी। उपहारों के आदान प्रदान का समय आ गया। पृथ्वी के दूर दूर के कोनों से फिलिस्तीन, मिस्र, भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली से उपहार लाए गए थे। अमेरिका में रहने वाले प्रियजनों के लिए खरीदे गए उपहार किसी चोर उचक्के के हाथ न लग जाए, इसलिए हर देश के जंक्शन पर श्री राइट ने कितनी मेहनत से बार बार पेटियों की गिनती की थी। फिलिस्तीन के पवित्र जैतून वृक्ष के फलक, बेल्जियम और हॉलैंड की नाजुक झालरें एवं काशीदाकारी के काम,
ईरानी गलीचे अत्यंत बारीक बुनावट वाली कश्मीर शालें, मैसूर के सदा सुगंधित रहने वाले चंदन के ट्रे, मध्य प्रदेश के शिव पत्थर, दीर्घकाल पूर्व लुप्त भारतीय राजवंशों के सिक्के, रत्न खचित फूलदानियां और प्यालियां, छोटी छोटी प्रतिकृतियां, पर्दे, धूप, अगरबत्ती, इत्र, स्वदेशी कॉटन, प्रिंट्स, लाख के काम की वस्तुएं, मैसूर के हस्तिदंत की कलाकृतियां, ईरान की लंबी नोक वाली जूतियां, विचित्र से लगने वाले परंतु काफी मेहनत से चारों ओर नक्काशी काम कर सुंदर बनाई हुई प्राचीन पांडुलिपियां, मखमली जरीदार कपड़े, गांधी टोपियां, मिट्टी के बर्तन, टाइल्स, पीतल की कलाकृतियां, ध्यान के आसन, तीन महाद्वीपों से जमा किया खजाना, क्रिसमस वृक्ष के नीचे रखी विशाल ढेरी में से अत्यंत आकर्षक ढंग से पैक की हुई एक एक वस्तु उठाकर मैं वितरित करने लगा। सिस्टर ज्ञान माता मधुर मुखार वृंद सिस्टर ज्ञान माता मधुर मुखार विंद और गहन अनुभूति वाली उस संत प्रकृति की महिला को मैंने एक लंबा डिब्बा दिया। मेरी अनुपस्थिति में यही माउंट वॉशिंगटन के केंद्र की प्रभारी थी। उस डिब्बे में से महीन कागज में लिपटी सुनहरी बनारसी साड़ी उन्होंने निकाली। धन्यवाद गुरुदेव, यह मेरी दृष्टि के सामने भारत का शानदार दृश्य उपस्थित कर रही है। श्री डिकिंसन, इस दूसरे पैकेट में जो उपहार था उसे मैंने कोलकाता के एक बाजार में खरीदा था। उस समय मेरे मन में विचार आया था, श्री डिकिंसन को यह पसंद आएगा। मेरे यह प्रिय शिष्य श्री ई डिकिंसन 1925 में माउंट वॉशिंगटन केंद्र की स्थापना से लेकर अब तक प्रत्येक क्रिसमस उत्सव में उपस्थित रहे थे। इस 11वें वर्ष उत्सव में वे उस चौकोनी पैकेट के फीते खोलते मेरे सामने खड़े थे। इस 11 वर्ष में वार्षिक उत्सव में वे उस चौकोनी पैकेट के फीते खोलते मेरे सामने खड़े थे। चांदी का गिलास, भावावेग को रोकने का प्रयास करते हुए वे पानी पीने के उस लंबे गिलास को एकटक देख रहे थे। वे कुछ दूरी पर जाकर ऐसे बैठ गए मानो उन्हें कोई सुध बुध ही ना रही हो। अपनी सांता क्लॉज की भूमिका फिर शुरू करने से पहले मैं उनकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देख कर मुस्कुराया। सब उपहारों के दाता उस परमदाता की प्रार्थना के साथ भावपूर्ण उद्गारों की उस शाम का समापन हुआ। उसके बाद कुछ देर तक सब मिलकर क्रिसमस कैरोल्स गाते रहे। कुछ दिन बाद श्री डिकिंसन और मैं बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, चांदी के गिलास के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद, कृपया स्वीकार कीजिए। क्रिसमस की उस रात मुझे आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। मैं वह गिलास खास तुम्हारे लिए ही लाया था। 43 वर्षों में से उस चांदी के गिलास की प्रतीक्षा करता आ रहा हूँ। 43 वर्षों से मैं उस चांदी के गिलास की प्रतीक्षा करता आ रहा हूँ। यह लंबी कहानी है जो अब तक मैंने अपने हृदय में ही छिपा कर रखी है। श्री डिकिंसन ने कुछ संकोच के साथ मेरी ओर देखा। इसकी शुरुआत बड़ी नाटकीय थी। मैं पानी में डूबकर मर रहा था। घटना नेब्रास्का राज्य में एक छोटे शहर की है। मेरे बड़े भाई ने एक दिन खेल खेल में मुझे 15 फुट गहरे तालाब में ढकेल दिया। तब मैं केवल 5 वर्ष का था। जब मैं दूसरी बार पानी के नीचे डूबने लगा तभी सारे अंतरिक्ष को प्रकाशमान करता हुआ एक बहुरंगी दीप्तिमान प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच में एक पुरुष की आकृति थी। उस पुरुष की आंखें अत्यंत शांत थी और उस चेहरे पर अभय दान करने वाली मुस्कान थी। जब तीसरी बार मेरा शरीर पानी के नीचे जाने लगा तो मेरे भाई के एक साथी के पास मैं खड़े एक लंबे पतले पेड़ के नीचे झुका दिया जिससे मेरी उंगलियां उस पेड़ को पकड़ सकी। तब उन लड़कों ने मुझे किनारे पर खींच लिया और मेरा प्रथमोपचार किया। इस घटना के 12 वर्ष बाद जब मैं 17 वर्ष का युवक हो गया था तब एक दिन अपनी माँ के साथ शिकागो गया। वह 1893 का सितंबर का महीना था। विख्यात विश्व धर्म संसद का अधिवेशन चल रहा था। माँ और मैं एक मुख्य सड़क पर पैदल जा रहे थे कि पुनः उसी प्रकार का दीप्तिमान प्रकाश मेरी आंखों के आगे कौंध गया।
हमसे कुछ ही कदम की दूरी पर वही पुरुष मुझे आराम से टहलता दिखाई पड़ा, जिसका मुझे वर्षों पहले डूबते समय दर्शन हुआ था। वह पुरुष एक विशाल सभागृह के पास जाकर उसके दरवाजे में से अंदर घुसकर अदृश्य हो गया। मैं चीख पड़ा, माँ यह वही आदमी था जो मेरे डूबते समय प्रकट हुआ था। माँ और मैं तुरंत सभागृह में जा पहुंचे। वह पुरुष व्याख्यान मंच पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर में हमें पता चल गया कि वह पुरुष भारत के स्वामी विवेकानंद थे। उन्होंने आत्मा को झंझोड़ देने वाला व्याख्यान दिया। उनका व्याख्यान समाप्त होने के बाद मैं उनसे मिलने आगे गया। मुझे देखते ही वे इस प्रकार मुस्कराए मानो हम पुराने मित्र हों। मैं इतना छोटा था कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अक्ल मुझमें अभी नहीं आई थी, परंतु मन ही मन मैं आशा कर रहा था कि वे मेरे गुरु बनेंगे। उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सुंदर भेदक आँखों से मेरी आँखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे गुरु बाद में आएंगे, वे तुम्हें चांदी का एक गिलास देंगे। थोड़ी देर रुककर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, अभी तुम जितने आशीर्वादों को ग्रहण कर सकते हो उससे कहीं अधिक आशीर्वाद वे तुम्हारी झोली में डालेंगे। थोड़े ही दिनों में मैं शिकागो से लौट आया और उसके बाद मुझे पुनः कभी महान विवेकानंद का दर्शन नहीं हुआ, परंतु उनके मुख से निकला एक एक शब्द मेरे अंतरतम चेतना पर अमिट रूप से अंकित हो गया। वर्षों पर वर्ष बीतते गए, कोई गुरु नहीं आया। 1925 में एक रात मैंने बहुत गहराई से प्रार्थना की कि भगवान मेरे गुरु को मेरे पास भेज दें। कुछ घंटों बाद कर्ण मधुर संगीत से मेरी नींद खुल गई। बांसुरिया एवं अन्य वाद्य लिए कुछ देवदूत मेरी दृष्टि के सामने प्रकट हुए। कुछ देर तक सारे वातावरण को स्वर्गीय संगीत से भरकर वे धीरे धीरे अदृश्य हो गए। दूसरे ही दिन यहाँ लॉस एंजलिस में मैं पहली बार आपके एक व्याख्यान में आया और उसी समय मुझे पता चल गया कि मेरी प्रार्थना पूरी कर दी गई है। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। 11 वर्षों से मैं आपका क्रिया योग का शिष्य हूँ, श्री डिकिंसन ने फिर कहना शुरू किया। कभी कभी चांदी के एक गिलास के बारे में सोचता रहता था। अपने मन को तो मैंने लगभग विश्वास ही दिला दिया था कि स्वामी विवेकानंद के शब्द केवल सांकेतिक थे। परंतु क्रिसमस की उस रात जब क्रिसमस वृक्ष के पास आपने वह डिब्बा मेरे हाथ में दिया, तब जीवन में तीसरी बार वही दीप्तिमान प्रकाश मेरी आंखों के सामने फिर कौंद गया। दूसरे ही क्षण मेरी आंखें अपने गुरु के उस उपहार को देख रही थी जिसे स्वामी विवेकानंद ने 43 वर्ष पहले देखा था, चांदी का गिलास। परंतु क्रिसमस की उस रात जब क्रिसमस वृक्ष के पास आपने वह डिब्बा मेरे हाथ में दिया, तब जीवन में तीसरी बार वही दीप्तिमान प्रकाश मेरी आंखों के सामने फिट कौंद गया। दूसरे ही क्षण मेरी आंखें अपने गुरु के उस उपहार को देख रही थी जिसे स्वामी विवेकानंद ने 43 वर्ष पहले देखा था, चांदी का गिलास। थैंक यू।